अरे भाई तो मैं अनेक चक्कर में आ जाते हैं। दिया है कि मेरे ब्लॉग में तो लोग बहुत झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो अभी खाना बनाने का सारा सेटअप हो गया है और सारे लोग लग गए हैं खाना बनाने में। ये भतखौगा वानी खाए चक्कर में आई वानी इतना हल्ला कर रही है लोग, इन लोगों को देख के भूत भाग जाएगा यहाँ से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 10 जनवरी और अभी मैं चल रहा हूँ गीतांजलि स्कूल शासन की तरफ से पिकनिक पार्टी में फोटोग्राफर बनके। तो आज का ब्लॉग काफ़ी तगड़ा रहेगा, ब्लॉग के एंड तक देखते रहना। दो तीन जगह लेके जाएंगे घुमाने, रिलायंस के टाउनशिप भी शायद चलें, उसके बाद चलेंगे माड़ा। तो खाना पीना का सारा व्यवस्था रहेगा, काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को पहुँच के। गाइस पहुँच गया हूँ स्कूल में, फटाफट चलते हैं, अभी सारे लोग निकलने वाले हैं। हो गया तैयारी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इधर सर जी, प्रिंसिपल सर जी हमारे क्या एकांत, ये भी है इधर, इसी का ये स्कूल है जैसा कि पता ही होगा सबको। बहुत इंजॉय आने वाला है स्कूल की तरफ से, पिकनिक में बहुत जोरदार हर साल जाते हैं, इस साल भी जा रहे हैं एकदम मस्त लोकेशन पे, तहलका मचाएंगे अभी पहुंच के। खाना पीना सारा चीज का व्यवस्था है, तो फटाफट चलते और दिखाते हैं। अभी गाइस बस निकल गई है और देख रहे हो पूरा बस फुल है, काफी सारे लड़के जा रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों जा रहे हैं। और इधर और अभी सीधा चल रहे हैं माड़ा, टाउनशिप रिटर्न आते टाइम चलेंगे। ये रहा डीजे मास्टर, ये गाना बजा रहा है पीछे, ये लोग पीछे छुप कर डांस कर रहे हैं। अभी गाइस हम लोग पहुंच गए हैं माड़ा के चौराहे पे, ये रहा माड़ा और इधर जाने का है इको पार्क, ये वाला रास्ता जाएगा इको पार्क। तो अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं, वहीं पे सारा पिकनिक उकनिक मनाएंगे। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं माड़ा इको पार्क, बट दिक्कत ये है कि अंदर खाना वाना बनाने नहीं देगा, इसलिए बाहर ही सारा खाना वाना बनेगा, उसके बाद चलेंगे अंदर सारे लोग घूमने। और इधर हमारी बहन लोग यहाँ के टीचर बनी हुई है, क्या मैडम ये राखी मुंह लुकवाते हुई। और देख रहे हो सारे लोग इधर अभी वेट कर रहे हैं, अभी सारा सामान निकलेगा, एक जगह डिसाइड होगा कहाँ पे खाना बनेगा। तो अभी खाना बनाने का सारा सेटअप हो गया है और सारे लोग लग गए हैं खाना बनाने में, और टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, 12:30 बज गए हैं, मतलब 4 बजे के आसपास अगर यहाँ से खाना वाना बना के खा के अगर निकल जाएंगे तो टाउनशिप जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जा पाएंगे। और सारे लोग देख रहे हो इधर लग गए हैं पूरा खाना वाना रेडी करने में, ये देखो गोभी आलू पता नहीं क्या क्या बनेगा, मेरे को तो नहीं पता है, बनने के बाद ही पता चलेगा। देख रहे हो गाइस कितने सारे बंदर हैं, अरे वो कुछ और लेके भाग जाएगा सामान वामान। देख रहे हो ये जितना गोभी वोभी का छिलका है, जितना भी सब्जी वब्जी है उसको लेके भाग रहा है, और इधर काफी सारे बंदर है। भी लाइन में लगेंगे, सारे लोगों का एंट्री होगा, कितने लोग जाएंगे उसके बाद अंदर चलेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं पार्क के अंदर और चल रहे हैं अभी पार्क घुमाने, सारे बच्चे लोगों को लेके जा रहे हैं पार्क घुमाने, बाकी खाना वाना उधर बन रहा है। तो ये रहा गाइस इको पार्क के अंदर का माहौल, और ये छोटा सा तालाब टाइप से बना हुआ है जिसमें बोटिंग वोटिंग भी होती है, उस साइड बोटिंग कर रहे हैं काफी सारे लोग। और यहाँ पे कैंटीन टाइप का है, कुछ मिलता भी है, पता नहीं पिछली बार आया था तब मिल रहा था, इस बार कुछ बेच रहे हैं कि नहीं कोई कन्फर्म नहीं है। अंदर तो है व्यवस्था, बैठे बैठे हैं लोग खा पी रहे हैं, लग तो काफी अच्छा रहा है, देख रहे हो चारों तरफ कोहरा कोहरा किया है, बादल भी उतना पहाड़ तक नहीं दिख रहा है, इतना ज्यादा कोहरा किया है। और ये सारे बच्चे लोग इधर देख रहे हैं और इधर प्रिंसिपल सर उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या कौन सा चीज है। तो अभी हम लोग आ गए हैं पार्क के दूसरे साइड में, और इधर सारे बच्चे लोग झूले पे झूल रहे हैं, सब लोग इधर उधर खेल रहे हैं। और भैया ये सब जो पार्क में जो ये लिखा हुआ है इसका देखो ना साला मिट गया है पूरा, कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखा है। वैसे एकदम ध्यान से देखो तो टायर वाल्क लिखा हुआ है इसका नाम, बट फिर भी मिट गया है, इसका थोड़ा रिपेयरिंग करा देना भैया अगर कोई देख रहा हो तो। इधर देख रहे हो सारे बच्चे लोग ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, भैया हम लोगों के टाइम पे ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होता था, हम लोगों के टाइम बस स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, खाओ पियो, बस इतना था। ये देख रहे हो दोनों मैडम लोग जहाँ देखती है मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, इधर उधर झूला उला झूल रहा हूँ, वीडियो में आने के चक्कर में आ जाती है। मेरे ब्लॉग में तो लोग बहुत अरे बाप रे, ये सफेद झूठ बोला जा रहा है, हमको घूमने के लिए खुद मेरे पास पैसे नहीं, तुमको देने के लिए कहाँ से पाएंगे। ये भतखौगा वानी खाए चक्कर में आई वानी मेरे को बुलाया गया है, मेरे को इनवाइट किया गया है, इनवाइट किया गया है। सर जी को ऐसा झुला दो कि ऊपर लटक जाए पेड़ पे। अभी आ गए हैं विवाह माड़ा गुफा के पास, और ये रहा गुफा, ये काफी प्रचलित है अपने यहाँ, जो सिंगरौली के टूरिज्म में फर्स्ट प्लेस में आता है यही आता है विवाह माड़ा का गुफा। तो देख रहे हो इसके अंदर सारे लड़के लोग घुस गए हैं, अरे भूल गए
तो ये रहा गाइस गुफा के अंदर का कुछ मूर्ति बना हुआ है, पता नहीं कौन सा भगवान क्या है, रावण। अगर गलत होगा तो आप ही के ऊपर आएगा, मेरे को तो नहीं कन्फर्म है रावण है, पता नहीं मेरे को तो नहीं पता। और ये देखो गुफा के अंदर कुछ इस प्रकार से है, पूरा एकदम पुराने जमाने का पत्थर है। इतना हल्ला कर रही है लोग, इन लोगों को देख के भूत भाग जाएगा यहाँ से। ये देख रहे हो गाइस कितने सारे बंदर आ गए हैं, और इन लोगों को कोई कुछ खाने को लिए दे दे रहा है, तो पता नहीं कहाँ से और बंदर इकट्ठा हो जा रहे हैं, मोबाइल लूट के ना भाग जाए। आय आय आय। ये देख रहे हो कैसे लड़ रहे हैं, किसी का मोबाइल छीन के ना भाग जाए। अरे भाई ये डरा रहा है, अरे हट जा रहे, साला मेरा ही पैर पकड़ रहा है, भाग भैया, देख लो मेरा ही पैर पकड़ के खींच रहा था। ए बाबू ए, पकड़ लेगा ना तो उधर किनारे ले जाके मारेगा। अभी हम लोग चल रहे हैं जिप लाइन पे, माड़ा लगभग 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन एक भी बार जिप लाइन पे नहीं गया हूँ। वो जो रस्सी देख रहा है ना, वहाँ से लेके सीधा वहाँ तक जाएगा, पूरा सेफ्टी बेल्ट के साथ, ये ग्लव्स व्लव्स पूरा लगा के देगा। तो अभी मैं, मुकेश और एकांत तीनों लोग चल रहे हैं, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी हम लोग पूरा सेफ्टी गियर के साथ रेडी हो गए हैं, और मेरे साथ मुकेश और एकांत तीनों लोग चल रहे हैं अभी हम लोग, और यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब सीधा चलते ऊपर, यहाँ से सीधा वहाँ तक लेके जाएगा, और रिटर्न उसके बाद वापस उतर के आना पड़ेगा, एक ही चक्कर जाता है उसका, 150 रुपये चार्ज है। तो चलते हैं सीधा ऊपर और देखते हैं, पहला एक्सपीरियंस रहेगा, पहली बार ये एक्सपीरियंस करूंगा अपनी लाइफ में। मैं तो चाहता हूं भाई दुनिया का हर वो चीज करूं जिसमें मजा है, बट उतना पैसा रुपए नहीं रहता यहाँ पे, ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका हूँ, फिर भी कभी कभी पैसा नहीं रहता था, कभी मन भी नहीं करता था, इसलिए नहीं झूला था। तो फाइनली पहुंच गए अभी हम लोग जहाँ से हम लोगों को छोड़ा जाएगा। ये रहा रस्सी, ये रहा बेल्ट, इसी में लटका के छोड़ दिया जाएगा वहां तक। पहले कौन जाएगा? रमेश जाएगा, पहले मैं ही जाऊँ। साला मेरी जिंदगी पहले खतरे में डाल लेगा। मुकेश जाएगा पहले, मैं पहले मुकेश जाएगा, मैं जा रहा हूँ। दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। बताओ बताओ कहाँ कहाँ तुम्हारा इंश्योरेंस है, क्लेम कराना पड़ेगा ना। जा झटक के एकदम पार हो जाओ साला। जा 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 जा। तो अभी मेरा नंबर लग चुका है गाइस, और जाने वाला हूँ, देखते हैं भैया पूरा बैठ जाए। कैमरामैन भैया, कैमरामैन भाई, मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। अरे बाबू झटका मत दे, बाहर हो जी, पकड़ ली, पकड़ ले, पकड़ ला भैया, पकड़ ला, जीव बचा ले। अरे मजा आ गया यार, कैसा चक्कर आवा था भाई। ओ गाइस मजा आ गया यार, गजब खतरनाक एक्सपीरियंस था, कैसा लगा तुमको? बीपी चक्कर आ गई, लेकिन मजा आया, बहुत मजा आया। डर लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी जैसे ही पूरा इस पे वेट आ गया ना, इसके बाद डर खत्म। अभी आ रहा है एकांत भी। ये क्या कर रहे हैं भैया? स्पीड कम कर रहे हैं क्या? मार लाते हुए सारे के। कैसा लगा? बोटिंग करने, और इधर सब लोग नाव पे मजे कर रहे हैं, और ये लोग पीछे से बार बार अपने नाव से ठोक रहे हैं हम लोगों की नाव को, और इधर देख रहे हो काफी सारे बच्चे साथ में घूम रहे हैं। किधर किधर पूरा एक चक्कर घुमाओ इसे चारों तरफ, देख रहे हो क्या मस्त व्यू आ रहा है, पानी बड़ी ठंडा ठंडा लग रहा है भाई इधर। ये देखो व्यू, देखो गाइस कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कैसे मजा आ रहा है, आ रहा है ना। अभी गाइस खाना रेडी हो गया है, और हम लोग घूम घाम के सारे लोग आ गए हैं, अभी खाना वाना खाने बैठ गए इधर, बहुत सारे लोग खा लिए इधर सारे लोग। कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया बना है, एकदम रेसिपी वाला बना है, पूड़ी और सब्जी। तो अभी गाइस यहाँ का खाना पीना सब लोगों का हो गया है, और चल रहे अभी हम लोग घर के लिए। देखते हैं अगर 6 बजे तक टाउनशिप पहुँच जाएंगे रिलायंस के तो वहाँ चलेंगे, अगर उससे ज्यादा लेट होगा तो नहीं जाएंगे। तो बस निकलने वाली है, सीधा चलते हैं बस के अंदर, और चलो। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं रिलायंस के टाउनशिप गौतम बुद्ध वाला टेम्पल के पास, और अभी चल रहे हैं, सारे लोगों को ऊपर ले जाके दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे। सारे बच्चे लोग आ रहे हैं इधर पीछे,
ये रहे ऊपर गौतम बुद्ध जी, काफी लाइटिंग रात की काफी तगड़ा रहती है यहाँ पे, इतना अच्छा डेकोरेट किया है ना, लाइट वाइट काफी अच्छा चलता है। ये देख रहे हो इधर चारों तरफ, और सारे लड़कों को लाइन लगा के एंट्री करा के ऊपर लेके चलेंगे। और देख रहे हो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है डेकोरेट किया हुआ, वहाँ देख रहे हो मंदिर पूरा लाइट कितना मस्त जल रही है, और ये देखो चारों तरफ लाइट। रात में अगर सुंदरता देखना हो ना तो रात में आना अच्छा, मतलब फोटो तो नहीं आएगा बट देखने को काफी प्यारा मिलेगा। तो ये रहे गौतम बुद्ध जी, और उनके नीचे देखो दिनमान शायद ही देखे होंगे, बंद रहता है तो अभी दिखा रहा हूँ, मस्त लाइट वाइट जल रहा है। इधर काफी सारे भगवान लोगों का और पता नहीं क्या क्या है, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मूर्तियाँ बनाया गया है, जो अभी गेट वोट बंद रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर के घूमने आ रहे हैं ना, गंदगी ना करें इसलिए गेट बंद रखते हैं। तो अभी सारे लोग रिलायंस के टाउनशिप घूम चुके हैं, गौतम बुद्ध वाला टेम्पल, अब चल रहे हैं घर की ओर। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद है, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अरे सॉरी बाय।